पर गंगा स्नान नहीं कर पाएंगे श्रद्धालु। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कोरोना के चलते प्रशासन ने गंगा स्नान पर रोक लगा दी है। हरिद्वार समेत कई जगह गंगा स्नान पर पाबंदी लगाई गई है। प्रयागराज और गढ़मुक्तेश्वर में भी गंगा स्नान पर रोक लगा दी गई है। साल का पहला और सबसे पाक ये स्नान होता है जिसकी हिंदू धर्मों में बहुत महत्वता है, और ऐसे में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर गंगा स्नान पर रोक लगा दी गई है। कोरोना के चलते प्रशासन ने ये बड़ा अहम फैसला लिया है। संवाददाता संजय पुंडीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, साल का पहला और सबसे बड़ा स्नान होता है मकर संक्रांति का स्नान, जिस पर कोरोना के चलते रोक लगा दी गई है। देखिए चारुल, बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है हिंदू धर्म में जो साल का पहला स्नान यानी मकर संक्रांति का स्नान है। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार इस दिन स्नान करने से जो पाप पुण्य होते हैं वो दूर हो जाते हैं, लेकिन इस साल 14 जनवरी को होने वाला मकर संक्रांति का स्नान पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। एक दिन पहले ही जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने एक आदेश जारी किया है कि आने वाले 14 जनवरी को मकर संक्रांति स्नान पर पूरी तरह बैन रहेगा। हालांकि जिस तरीके से हरिद्वार में घाट है, उसमें राम घाट हो या फिर हर की पौड़ी स्थित ब्रह्मकुंड घाट हो, सभी जगह पुलिस का पहरा रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर राज्य सरकार चिंतित है। इसी को देखते हुए जिला अधिकारी विनय शंकर पांडे ने ये आदेश जारी किया है और तमाम तैयारियां एक दिन पहले से ही कर ली जाएगी। सुरक्षा को लेकर जिस तरीके से हर की पौड़ी पे दूर दूर के श्रद्धालु आते हैं, स्नान करते हैं और अपने आस्था की डुबकी लगाते हैं, ऐसे में इस साल भी जो होने वाला स्नान मकर संक्रांति का स्नान वो पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। और जितने भी तमाम घाट है, हरिद्वार में राम घाट है, संजय पुल घाट है या फिर ब्रह्मकुंड घाट है, सभी जगह पुलिस का पहरा रहेगा। अब देखने वाली बात होगी पुलिस आने वाले लोगों को, श्रद्धालुओं को कैसे रोकती है। हालांकि तमाम जो बॉर्डर हरिद्वार से लगते हुए हैं उसमें गुरुकुल का नारसनपुर बॉर्डर हो या काली नदी चेक पोस्ट बॉर्डर हो या चिड़ियापुर बॉर्डर हो, सभी जगह पुलिस का पहरा रहेगा। और जो लोग किसी विशेष कार्य से आएंगे उनके पास 72 घंटे पहले RT-PCR रिपोर्ट होना अनिवार्य है, क्योंकि कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर अगर लोगों के पास रिपोर्ट होगी तो कहीं ना कहीं उनका पता चल सकेगा कि इन्हें कहीं कोरोना की महामारी तो नहीं है। जी संजय, ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि संत समाज का इस पर क्या कहना है, क्योंकि हालांकि देखिए अगर कुंभ के दौरान की बात कर ले तो आखिरी वक्त था जब संत समाज ने भी अपनी ओर से कॉपरेट किया था इन तमाम चीजों को लेकर, जो पाबंदियां लगी थी, जो सख्तियां लगी थी, ऐसे में साल के पहले स्नान पर भी रोक लगा दी गई है कोरोना की वजह से, संत समाज की क्या प्रतिक्रिया है? देखिए कहीं ना कहीं प्रशासन के साथ अभी साधु संत दिखाई दे रहा है, क्योंकि कोरोना महामारी किसी विशेष व्यक्ति की बीमारी नहीं है, ये एक महामारी है देश भर में। देश के कोने कोने से जिस तरह से खबरें आ रही है, हालांकि उत्तराखंड की बात की जाए तो प्रतिदिन जो हजारों मामले आ रहे हैं, तो उससे कहीं ना कहीं लोगों के अंदर भी डर का माहौल बना है। हालांकि साधु संतों से जब हमारी बात हुई है तो उन्होंने कहा कि प्रशासन के साथ हैं हम, और अगर कोई व्यक्ति विशेष आता है यानी अस्थियां विसर्जन करने के लिए आता है तो उन्हें परमिशन भी लेनी होगी और कहीं ना कहीं वो आ सकता है। लेकिन साधु संत की इस पर भी प्रतिक्रिया देख रहे हैं हम कि किस तरह की उनकी प्रतिक्रिया है, लेकिन साफ कहा जा सकता है कोरोना महामारी, हम अपने दर्शकों को भी यही कहेंगे कि आप घरों में रहकर ही स्नान कर सकते हैं, क्योंकि ये महामारी है, इससे बचकर आप सुरक्षित रहकर ही अपना बचाव कर सकते हैं। जी चारुल, बिल्कुल संजय, आप बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे।